सब बातों का ध्यान रखा गया था। ठीक है, आदिकालीन रचनाओं में क्या था, एक तो भाषा उसकी, इस पर ध्यान देंगे आप लोग, उसका जो इतिहास था वो किससे जुड़ा था, हर्षवर्धन के काल में वो रचनाएं की गई थी, जब 12वीं शताब्दी थी ना, जान रहे मुगलों का शासन था उस समय, उसको केंद्र में रखकर के रचनाएं लिखी जा रही थी, तो आप ऐतिहासिक परिपेक्ष को भी आदिकाल से जोड़ेंगे और तब जाकर के उस चीज को लिखेंगे। आदिकालीन साहित्य को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांटा जाता है, लिख सकते हैं आदिकालीन साहित्य को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांटा जाता है। पहला जो है धर्म संबंधी काव्य, दूसरा है चारण कवियों द्वारा रचित रासों काव्य, तीसरा है लौकिक साहित्य या फुटकर काव्य, ऑब्लिक करके लौकिक साहित्य या फुटकर काव्य लिख सकते हैं, मेरी शकल मत देखिए, लिखिए, लिखेंगे तो पढ़ पाएंगे दोबारा। ठीक है, पहला था धर्म संबंधी काव्य, आदिकालीन रचनाओं को अध्ययन की, आदिकालीन साहित्य को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांटा जाता है, लिखो, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांटा जाता है, पहला धर्म संबंधी काव्य, दूसरा चारण कवियों द्वारा रचित रासों काव्य, और तीसरा फुटकर काव्य ऑब्लिक लौकिक काव्य, मतलब फुटकर काव्य या लौकिक साहित्य एक ही चीज है दोनों। ठीक है, ये अगर जिसको ये टेबल पता होगी और ये दो ये सामान्य परिचय भी पता होगा और आप लोग एग्जाम में इतना भी लिख देंगे तो मजा आ रहा है कि आप फेल हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकते, अच्छे से मार्क्स आएंगे और अच्छे से कर पाएंगे, तो तब तो सामान्य परिचय तो अच्छे से लिखिए, ये बदलने वाली चीज नहीं है, ये आज पढ़ोगे तो वही रहेगी, 100 साल बाद पढ़ोगे तो वही रहेगी, क्योंकि ये इतिहास है, इतिहास थोड़ी पलटा जाता है, आधुनिक समय में जो चीजें बदलती है वो बदलती है ना, इतिहास तो वही रहेगा, मैंने जो जो उस समय पढ़ा था 8 साल 6 साल पहले वो तब भी वही था, आज मैं पढ़ा रही हूँ तब भी वही है, तो कम से कम ये चीजें पक्की है, पेपर में वैसे ही लिखना है जैसे पढ़ाया जा रहा है, तो इतनी चीजें तो कम से कम कम्प्लीट करिए आप लोग, एक तो टाइम से आइएगा, तो लेट मत आए, तो जो छूट जाएगा दूसरे से लिखोगे लेकिन समझ तो नहीं पाओगे ना जो टीचर समझाएगा वैसे आप लोग, इसलिए इस चीज का ध्यान रखा करो आप लोग। तो आदिकाल के बारे में इतना इनफ है, कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को, लिखा ना तीन भागों में आदिकाल को बांटा, धर्म संबंधी चारण कवि द्वारा रचित काव्य और लौकिक साहित्य, धर्म संबंधी काव्य में क्या था, सिद्धनाथ जैन ये प्रमुख रूप से थे। ठीक है, धर्म संबंधी काव्य किस पे किनके आधार पर लिखा जाता, सिद्धनाथ और जैन के आधार पर। चारण कवि द्वारा रचित रासों काव्य वो क्या थे, वीर गाथात्मक श्रृंगार परक, देखिए वीर गाथात्मक श्रृंगार परक और धार्मिक साहित्य। ठीक है, और फुटकर काव्य में क्या था, अमीर खुसरो और विद्यापति, लिख दीजिए अमीर खुसरो और विद्यापति उनकी रचनाएं थी फुटकर काव्य, इतना लिख देंगे ना, आदिकाल का सामान्य परिचय पूछे, मैंने जितना आदिकाल के बारे में बताया इतना अगर आप लिख देंगे ना उसको एक्सप्लेन कर देंगे काफी है, बाकी जो टेबल बनवाया है भक्ति काल का, मध्य काल को, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे ना टेबल को तो भी काफी होगा, अब उसमें क्या चीजें आएंगी वो चीजें मैं आप लोगों का एक्सप्लेन करते चल रही हूँ। ठीक है, तो मध्यकाल में आते हैं, मध्यकाल में भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल के बारे में अन्य अन्य विद्वानों के अपने अपने मत रहे। ठीक है, जैसे कि क्या है, कहते हैं कि भक्ति काल का उद्भव और विकास कैसे हुआ, भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, लिख सकते हैं आप लोग भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, आखिर ऐसे क्या विशेषता थी उसकी कि उसको स्वर्ण युग कहा जाता है, प्रश्न तो होगा ना, जब कोई चीज इतनी फेमस होगी अचानक से मतलब कि आएगी और उसका एकदम इतना ज्यादा प्रभाव होगा तो कोई बात तो रही होगी उसमें, कोई ना कोई विशेषता तो उसकी रही होगी, कोई खासियत तो रही होगी, तभी तो वो आई है। तो भक्ति काल को लेकर के अनेक विद्वानों के अपने अपने भिन्न भिन्न मत रहे हैं, जैसे कि वो है क्या नाम है उनका, जॉर्ज गियर्सन, वो कहते हैं ईसाइयत की देन है, वो पाश्चात्य विद्वान है, वो कहते हैं पाश्चात्य विद्वान लोग समझते हैं आप लोग पश्चिम के मतलब यूरोप साइड ये सब, ठीक है फ्रांसीसी यूरोप जर्मन ये सब, ठीक है तो वो है पाश्चात्य विद्वान है वो, तो वो कहते हैं कि ये ईसाइयत की देन है ना, आबिद हुसैन और ताराचंद को इस्लाम की देन कहते हैं है ना, और जो सूफी कहते हैं कि अपने पौरों से हताश जनता आखिर जाए तो जाए कहां, आखिरी शरण किसकी बस्ती है, भक्ति,
है ना। जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो ईश्वर की शरण में जाता है ना, तो उसे लगता है कि शायद यहीं पे मन को शांति मिले, तो ये चीज है। लेकिन जब भक्ति से मोह भंग होता है, लगता है कि यार ईश्वर, एक समय था जब सोमनाथ का मंदिर गिराया जा रहा, इतिहास हिस्ट्री है ना उसका, तो लोगों को लगा कि ये क्या हुआ, ईश्वर तो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहा है तो हमारी क्या रक्षा करेंगे, है ना, होता है ना। तो आखिर जब वो अपनी रक्षा नहीं कर पाते, इंसान एकदम निराश हो गया कि ये क्या हो रहा है, मतलब जिसकी शरण में हम जा रहे हैं हमारी शरण में, हमें क्या अपनी शरण में रख पाएंगे, जब वो अपनी खुद नहीं बचा पा रहा है अपने आप को, तो हमें क्या बचा। तब एकदम से कट गई था, फिर कहां गई, रीति काल की तरफ, भक्ति काल से कटी रीति काल की तरफ गई। लेकिन भक्ति काल की अपनी विशेषता है कि वो स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उसमें जन कल्याण की बातें कही गई है ना, जनता की बात की गई है, आम जनता की बात की गई है, जहां पहले किसकी, राजा महाराजा की प्रशंसा की जाती, वहां पे अब नहीं हो रही थी वो चीज, यहाँ पर वो चीज नहीं हो रही थी, वह आम जनता से जुड़ी वो चीज, ठीक है। इसके बाद रीति कालीन साहित्य में क्या हुआ, चीजों को बढ़ा चढ़ा करके दरबारी मुद्राएं अशर्फियां कमाने के लिए, अपने मतलब आजीविका के लिए रीतिकालीन कवियों ने साहित्य की रचना की, ठीक है, ये था उसमें। तो रीतिकालीन जो कवि थे वो अपने आजीविका के लिए लिखते हैं कि उनको पैसा मिले, धन मिले, मुद्राएं मिले, अशर्फियां मिले, उसके लिए, और लिखते क्या थे, बढ़ा चढ़ाकर। तुम्हारे में मतलब कि आपके सिलेबस में लगे हुए हैं बिहारी, मैंने आज पढ़ाया था मॉर्निंग में बच्चों को, ये आपके सिलेबस में लगे हुए ये किताब है, इसमें दोहे लगे हैं 6-7 आपके सिलेबस में लगा हुआ है दोहा, थर्ड यूनिट में, बिहारी, भूषण और कबीर लगा है ना, ए में ही है ना आप सभी, हाँ लगा हुआ है, देखना, पढ़ा भी हूँ, समझ नहीं आ रहा आप लोग इतना स्लो क्यों है, सर पढ़ा भी है आप लोगों ने या नहीं, मेरा सिलेबस खत्म होने वाला है मॉर्निंग बैच में, लास्ट रह गया यूनिट, मतलब बहुत ज्यादा स्लो हो आप लोग, इतना लेजी हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। अब एग्जाम आपका 24 तारीख को है और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, अभी आप लोगों को हिंदी साहित्य की भूमिका तक नहीं पता है, तो कैसे लिखेंगे आप लोग, चलिए छोड़िए वो सब। तो ये है रीतिकालीन साहित्य में लगे हुए हैं जो बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा अपनी आजीविका के लिए लिखते हैं। अब आते हैं हम लोग आधुनिक में, आधुनिक में क्या होता है, आधुनिक अगर मैं पूछूं आधुनिक का मतलब क्या है तो क्या कहेंगे आप लोग, कोई बताइए, बताइए अगर मैं सटीक पूछूं तो कोई बता सकता है मुझे आधुनिक सटीक अर्थ, कोई साहित्य के संदर्भ में बता सकता है मुझे। देखिए आधुनिक का मतलब होता है, आधुनिक का मतलब होता है किसी भी तथ्य को तर्क की कसौटी पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब आप कसकर देखते हैं तो वहां आधुनिकता होती है ना। जैसे आपके सिलेबस में लगा है क और मैं आपको दे दूं खा पढ़ने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, खा पढ़ेंगे, लगा ही नहीं है सिलेबस में तो क्यों पढ़ेंगे, आप मुझसे तर्क करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि मैम मैं क्यों पढ़ूं, ये तो लगा ही नहीं है, पूछेंगे ना, पूछेंगे कि पत्तों का रंग हरा क्यों होता है, क्यों होता है, वैज्ञानिक कारण है ना भाई उसका, इसीलिए तो वो हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है ना हरा, तो उसका एक तर्क है कि ये है तो वो है, हाँ? ईश्वर को हम मानते हैं क्या उसका कोई तर्क है, आपने देखा है ईश्वर को, देखा है किसी ने, देखा है नहीं देखा है, हाँ? तो आप क्या कहेंगे उसको, मिथक, वो मिथक है, हाँ? पुराणिक कथाएं, जो राम थे वो इंसान थे, उनको भगवान बना दिया गया है, या वो सही में भगवान थे, क्या कोई जानता है, नहीं जानता, ठीक है, हाँ? पुराण, अंधविश्वास कुछ कह सकते हैं, आस्तिकता भी होती है लोगों की, है ना, हाँ? वही चीज है ना, महात्मा बुद्ध को भगवान बना दिया, क्यों मना करते थे इसको, विरोध करते थे कि मुझे भगवान की उपाधि मत देना, बहुत धर्मी ही बना दिया, जिसका विरोध वो लोग कर रहे थे उसी को ले आए, धर्म में यही तो होता है, धर्म आगे चलकर कर्म कांड से भर जाता है। कबीर क्या करते हैं, इन्हीं सब का तो विरोध, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़,
तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से हरी हरी मिले भगवान मिलेंगे तो पहाड़ पर क्यों ना पूजा जाए, वो भी तो पत्थर है, वो तो विशाल पत्थर है, उससे अच्छा तो चक्की है, कुछ पीसेंगे तो कम से कम भेद तो भरेगा है, खाने के लिए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो भगवान वो अनाज की चक्की भली है या वो पत्थर? हाँ पत्थर तो वो भी है, चक्की है ना, लेकिन उसका कुछ लाभ है, है कि नहीं? तो वो चीज है, वो ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये चीज है कर्म कांडों का विरोध। आधुनिकता में क्या होता है? आधुनिकता में जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि आधुनिकता का समय जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 की पहली लड़ाई स्वाधीनता के लिए जो लड़ी गई उसकी पृष्ठभूमि पूरी हमारे आधुनिक साहित्य से प्रभावित है। ठीक है, मतलब क्या, पहले हम लोग को बेवकूफ बना दिया जाता था, क्या से फूट डालो राज करो की नीति थी उन लोगों की, मुसल हिंदू और मुस्लिम के भी धर्म के आधार पे तो फूट डालते थे वो लोग, क्योंकि हमारे जो इंडियंस जो लोग हैं वो इतने ज्यादा आक्रांत है ना धर्म से कि क्या बताया जाए, कि वो मतलब सब कुछ धर्म ही मानते हैं। मतलब क्या, धर्म के नाम पर तो लड़ा दिया जा रहा है, वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारे पास हो क्या है। कच्चा माल जो हमारे यहाँ सस्ते दामों पर तैयार करवाते हैं, लेते हैं, वो खरीदते हैं, क्या नीम की खेती करवाई जाती थी, अफीम उगवाया जाता था, सस्ता होता है वो, यहाँ से वो लोग अपने देश विदेश ले जाते थे, उसको हमारे सस्ते माल को कच्चे माल को तैयार करके टैक्स लगाकर महंगे दामों पर दुगने तिगुने दामों पर वो ला करके हमारे यहाँ बेचते हैं, उसी चीज को, हमारी ही चीज को हमें ही महंगे दामों में बेचा जा रहा है, क्या हो रहा है, अन्याय है ना ये हम लोग के सामने। फिर हुआ ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी सन 1800 में, वेलेजली ने की थी, वो दरवाजी के वो मतलब उन्होंने की थी सन 1800। ठीक है, तो उन्होंने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, वहां पर मतलब कि हिंदी के कई सारे अध्यापक रखे गए थे जिसमें मुंशी सदाशिव लाल ये थे और लल्लू लाल जी थे, सदर मिश्र थे, नासिके तो पाठ्यक्रम उन्होंने लिखी भी है, तो ये सब थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हिंदी को काफी बढ़ाया और जागरूक किया लोगों को, क्योंकि ये ऐसे विद्वान थे आरंभ के जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ा, उसको समझा, किस दृष्टि से कि हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हमारी चीज को हमारे महंगे दामों पे बेचा जा रहा है, ये तो अन्याय है, सरासर अन्याय है। फिर वो इसका विरोध करते हैं साहित्य में, क्या करते हैं अपने लेखन के माध्यम से विरोध करते हैं। आधुनिक काल का समय ऐसा है कि उसी टाइम छापा खाना खुलता है, छापा खाना से एक व्यक्ति अपने भावों और विचारों को क्या करता है, लेखन में लाएगा, वो प्रकाशित होगा मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वो आगे जाएगा, काफी लोग उसको पढ़ेंगे। ईसाई क्या कर रहे थे, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों में उसका प्रभाव फैला रहे थे, है? धर्म परिवर्तन के लिए, है ना, यही तो कर रहे थे वो। तो ये सब था उसमें, तो ये चीज है। तो इसके बाद मेन चीज है प्रिंट मीडिया, छापा खाना खुलता है, हमारी जो जनता है भारतीय मतलब भारतीय जो हमारे लोग हैं वो क्या करते हैं, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने विकसित करते हैं, वो चीजों को पढ़ते हैं, अब विचार वितर्क करते हैं, तर्क करते हैं कि आखिर ये है तो क्यों है, है? हम पूजा कर रहे हैं तो किस बिहार पे कर रहे हैं, हाँ हमें क्या मिलता है। नीत से ने तो साफ कह दिया था, पाश्चात्य विद्वान है नीत से आप से प्रभावित है, वो कहता है कि ईश्वर मर चुका है, वो कहता है ईश्वर मर चुका है। मार्क्स कहते हैं कि धर्म एक अफीम है, मार्क्स कहते हैं कि धर्म एक अफीम है जो इंसान को क्या करती है, खा जाती है, खत्म कर देती है, वो ये कहते हैं, हाँ ये चीज है। तो ये सब चीजें आधुनिक में आप लोग को ध्यान में रखनी होगी, जितना मैंने पढ़ाया अगर इतना भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रख करके लिख देंगे ना तो मजा ले, आपको कोई कम मार्क्स दे, अच्छे ही मार्क्स से आप लोग पास होंगे, बेफिक्र रहिए, पेपर तो खैर मुझे मिलेगा चेक करने के लिए, मैं तो करती हूँ। तो ये चीजें हैं, तो अच्छे से लिखना, पढ़ेंगे तो जरूर मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो थोड़ी मिलेगा, पार्शियलिटी नहीं होती यहाँ। तो ये चीजें हैं, तो उसके बाद छापा खाना, अंग्रेजी मतलब तर्क करना, आधुनिकता का मेन ही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसकर देखना। ठीक है, व्यक्ति विचार वितर्क करने लग जाता है,
आते हैं किस पर? भारतेंदु युग में ही है आधुनिक युग। आधुनिक युग का प्रवेश द्वार कहा जाता है भारतेंदु युग को। लिखो आधुनिक युग को ही, भारतेंदु युग को आधुनिकता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, आधुनिक युग को भारतेंदु युग को आधुनिकता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारतेंदु युग को आधुनिकता का प्रवेश द्वार कहा जाता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आधुनिकता का प्रवेश द्वार भारतेंदु युग को कहा जाता है। कैसे भी लिख ले, कान इधर से पकड़िए या डायरेक्ट पकड़िए, पकड़ोगे तो कान ही, कहीं से भी लिख दो। ठीक है, हो गया ना। तो ये था भारतेंदु युग, मतलब आधुनिकता। भारतेंदु युग ही नहीं, संपूर्ण 1700 से लेकर, संवत 1700 से लेकर के, 1700 से लेकर के अब तक का जो साहित्य है वो पूरा 1850 से लेकर के, सॉरी 1850 से लेकर के अब तक जो साहित्य है वो सब आधुनिक में ही आएगा। ठीक है, अब तक 1850 से अब तक सब आधुनिक में आएगा। आदिकाल मतलब ये आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सब आधुनिक में आएगा। ठीक है, बस उनके रूप थोड़े थोड़े बदलते चले जाते। तो भारतीय युग समझ गए आप लोग, आधुनिकता का मतलब प्रवेश द्वार है। और इसमें क्या क्या हुआ मैंने बताई थी, यातायात था, ये तो छूट गया था। यातायात का साधन मुहैया हुआ, हुआ ना, जिससे आवागमन की सुविधा बढ़ी, आने जाने में आसानी हुई, वहां की चीज यहाँ आई, यहाँ की चीज वहां गई, है ना। जाने से हमने कई चीजों को देखा, समझा, जाना, परिस्थिति को हम समझे, देखे, मतलब हमें कई सारी चीज देखने को मिलती है। हम रास्ते में ही जाते हैं तो हम कई सारी चीजों को देखते हुए जाते हैं, अनुभव करते हुए जाते हैं, है ना। परिस्थिति और परिवेश को देखते हैं, कई सारी परिस्थितियां हमको दिखाई देती है ना। कई मध्यवर्ग दिखाई दे देता है, कई फुटपाथ पे हमें लोग दिखाई देते हैं, है ना। तो उनके प्रति हमें क्या होता है, सहानुभूति होती है, होती है ना। तो वो सब चीजें क्या है, वो साहित्य का ही एक हिस्सा है जो आप लोग महसूस करते हैं। अगर कलम होगा तो लिख भी सकते हैं, है ना, वो साहित्य का ही हिस्सा है। जितने भी साहित्यकार क्या है, वो महसूस करके तो लिखते हैं। मैं खुद भी लिखती हूँ, मेरी भी रचनाएं प्रकाशित होती है, मैंने भी लिखा है कविताएं, कहानी, बहुत सारी चीजें लिखी है। तो ये सब चीजें हैं, बस महसूस करने के लिए। हर किसी के अंदर साहित्यकार है, लिखने वाला बनो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो उसके बाद आते हैं छायावाद। छायावाद में क्या है, छायावाद में जो कविताओं का रुख था या फिर गद्य था, गद्य साहित्य जो भी था, छायावाद में व्यक्ति स्वातंत्र की बात है। अब तक जो व्यक्ति बंधा हुआ था, जिसके व्यक्ति की बात नहीं की जा रही थी, अब व्यक्ति की बात की जा रही, उसकी स्वतंत्रता की बात की जाती है, स्वच्छंदता की बात होती है। जहां पहले रीतिबद्धता, मतलब जहां पहले क्या कहते हैं उसे, प्रबंध काव्य लिखे जा रहे हैं, अब मुक्त काव्य लिखे जाने लगे, है ना, छंद मुक्त कविताएं लिखी जाने लगी। मतलब पहले क्या था, सर्वबद्ध रचनाएं होती थी, मतलब एक अध्याय दूसरे अध्याय से जुड़ा होता, जैसे रामचरित मानस हो गया, ये सब लिखा जा रहा था, पृथ्वीराज रास हो गया, पद्मावत हो गया, ये सब चीज क्या अध्याय है, इसमें एक अध्याय दूसरे से जुड़ा हुआ। लेकिन आज की कविता देख सकते हैं, नागार्जुन बालक को गिरते देखा, जयशंकर प्रसाद हिमाद्रित्रुंग श्रृंग से लगी हुई है, रघुवीर सहाय उनकी कविता, एक छंद दूसरे छंद से मुक्त है बिल्कुल, है ना, बंधा हुआ थोड़ी है, छंद मुक्त कविता है। तो ये चीज है, यहाँ पर आके ये चीज हो जाती है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। भाषा तो खड़ी बोली हो जाती है, जो पहले ब्रज थी, अवधि थी, ठीक है, भक्ति काल में अवधि थी ना, ब्रज थी, आदिकाल में कैसी थी, आदिकाल में अभट, अभ्रंश, है ना, डिंगल पिंगल, पढ़ोगे तो देखना सब मिलेगा किताब में, आपको जो पढ़ाई सब मिलेगा किताब में, अच्छे से पढ़ना। अब जब पढ़ोगे ना तो ये चीज आपको क्लियर होती जाएगी, क्योंकि मैंने क्लास में समझा दिया, पढ़ा दिया, अब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और बैठ भी जाएगा आप लोग के दिमाग में। बस ये कि बशर्ते पढ़ना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं छायावाद में। रोमांटिक, वहां पे कविताएं जो होती है, रोमांटिक कविता का जन्म होता है, जैसे जूही की कवि निराला की है ना, वो लिखते हैं जूही की कवि, वो रोमांटिक कविता। इसके बाद छायावाद में, छायावाद में आते हैं हम लोग, छायावाद में, छायावाद ही कराते हैं ना, हाँ। इसके चार आधार स्तंभ है, नाम लिखो छायावाद में, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, और लिखी है अंत में महादेवी वर्मा, छायावाद में, छायावाद में। ठीक है, ये छायावाद में, उत्तर छायावाद में
हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती के कवि है, ठीक है। मधुशाला लिखते हैं वो, मधुबाला लिखते हैं, मधुकला अधरों पर आने से पहले नाच दिखाएगी हाला, है ना, लिखा उन्होंने वो चीज है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी है, बच्चन के अलावा भी कई सारे हैं, जैसे रामेश्वर शुक्ल अंचल हो गए, जानकी देवी हो गई, काफी सारे हैं उसमें भी, राष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय कवि भी है छायावाद में, जैसे दिनकर हो गए, ये सब है, काफी है, मतलब बच्चन गुप्त के भाई सियाराम चरण गुप्त वो भी है उसमें, तो ये सब है, ठीक है। अब प्रगतिशील में आएंगे, छायावाद हो गया, उत्तर छायावाद हो गया, अब प्रगतिशील में आएंगे। प्रगतिशील में आ जाएंगे हमारे नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन, नागार्जुन जो लगे हुए हैं आपकी कविता में, ठीक है। शिव मंगल सिंह सुमन दूसरा लिखिए, त्रिलोचन शास्त्री, त्रिलोचन शास्त्री तीसरा, त्रिलोचन शास्त्री, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, भवानी प्रसाद मिश्र, ये हो गया, ठीक है आपके, ये आ जाएंगे प्रगतिवादी, भवानी प्रसाद मिश्र। अब देखो मैं बिना किताब के पढ़ा रही हूँ, किताब ले नहीं रखा, आगे में जो बोल जाती वो मैं अब किताब से पढ़ाती तो नहीं याद ना कि अब किताब से मैं पढ़ा रही हूँ, तो याद थोड़ी रहता है, जो मुंह से निकल गया वो बोल दिया। तो ये चीजें हैं, तो ये आपकी प्रगतिशील में आ जाएंगे। प्रयोगवाद में आइए, प्रयोगवाद समझिए पहले, प्रयोगवाद का लिखवाऊंगी कि सिर्फ मुख्य मुख्य लिखवाऊंगी बस। प्रयोगवाद में क्या होता है, प्रयोगवाद में होता यह है कि प्रयोगवादी कविता जो प्रयोग किया गया था उसमें, ठीक है, प्रयोग के आधार पर कविता लिखी गई थी, जैसे प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है ना साइंस में, वैसे ही इसमें भी कविताओं पर प्रयोग किया गया था। तो इसमें ना सात सात कवियों का एक सप्तक तैयार किया गया था, जिसमें सात कवियों का समूह था, ऐसे करके चार सप्तक बनाए गए थे, चार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, यानी सात चौ दिखाई देती है हमें, अहम, ईगो, ईगो बहुत ज्यादा होता है उनमें प्रयोगवादी कवियों में, ईगो अहम का चरम रूप देखने को मिलता है, व्यक्ति स्वतंत्र, व्यक्ति की मुख्य रूप से बात की जाती है उसमें, ठीक है, ठीक है। मतलब राहों के अन्वेषी कहा जाता है, अज्ञेय ने गाया प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी, प्रयोगवाद हो गया ना, यही तक लिखवाया था मैंने, हो गया ना। तो क्या समझ में आया आप लोग को, आया समझ जो मैंने पढ़ाया आप लोग को, आया ना, जितना मैंने पढ़ाया उतना आया, हाँ आया, नहीं आया तो पूछ सकते हैं, पूछिए, नहीं आया तो, नहीं तो मैं पूछूंगी, नहीं तो मैं पूछूंगी। आधुनिकता का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, जिसका कोई प्रमाण है, प्रमाण कम होता है, ज्ञानिक दृष्टिकोण में बार बार जोड़ दे, लिख लो आधुनिकता का मतलब, लिखो ये लाइन ही लिखो पूरी, आधुनिकता का से तात्पर्य यह है कि जब किसी तथ्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्क की कसौटी पर कसकर देखा जाता है, दृष्टिकोण से तर्क की कसौटी पर कसकर देखा जाता है, प्रमाण स्पष्ट किया जाता है, जब व्यक्ति जागरूक होता है, सब लिखो, लिखते जाओ पहले, बुलवाते हैं उनके बताना। आधुनिकता से तात्पर्य है जब किसी तथ्य को तर्क की कसौटी पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कसकर देखा जाता है, जागरूक हुआ जाता है, प्रमाण प्रमाणित किया जाता है, जब उस तथ्य को, तब जाके वहां आधुनिकता होती है, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया है अगर इतना ध्यान, बाकी मैं आप लोग को एक किताब बताती हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित किया जाता है उसे, तथ्य को प्रमाणित किया जाता है, जागरूक होते हैं जब हम, विचार वितर्क करते हैं, तर्क करते हैं, सारी चीज आ जाएंगी उसी पे, ठीक है। एक किताब का नाम लिखो सभी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, क्योंकि इतिहास तो आप लोग पढ़ने पहले तो तुम सरल ही पढ़िए पहले, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ त्रिपाठी।
विश्वनाथ त्रिपाठी पर, विश्वनाथ त्रिपाठी पेपर बैग्स में लेना, गत्ते वाले मत लेना, पेपर बैग्स में सस्ता मिलेगा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, हाँ विश्वनाथ त्रिपाठी राइटर, ये ले लेना आप लोग। अरे इससे आप लोग का जो सामान्य परिचय है ना हिंदी साहित्य का वो क्लियर हो जाएगा, तो पेपर में आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे। बाकी किताबें कोई बेकार नहीं जाती है, रहेंगी तो काम ही आएंगी, ठीक है, नुकसान कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप लोग के लिए आज किताब देने आए थे पब्लिशर, वो पूरा था आपका सिलेबस कवर कर रहा है, तो किताब हमको हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है, तो वो पूछ रहे हैं कि ये किताब कैसी, आप मैम पढ़ के बताइएगा, हमसे पूछा उन्होंने। तो मैंने उस किताब को सिर्फ दो चार पढ़ना ही उल्टा मुझे बढ़ा दी, मुझे समझ में, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे उसको पढ़ेंगे तो, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें, जब हमने जो बताया तो आप कहाँ समझ। सही बात है। हाँ नहीं है मेरे पास, तीन चार दिन का समय दिया पढ़ के बताना, अभी मैंने थोड़ा बहुत ही देखा है, अभी और पढ़ ली, फिर मुझे लगेगा कि आप लोग को लेनी चाहिए तब मैं बोलूँगी, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं कम्प्लीट। मैडम वैसे ये नुकसान होगा तो कोई मतलब नहीं है ना, ये बुक तो ले लेना जो मैंने अभी बताई है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। मैडम ये क्या मतलब इसका, इससे आपका सेकंड यूनिट जो है ना खराब, हाँ सेकंड यूनिट कवर हो जाएगा इससे, फर्स्ट में इसके आधार पे ही होगा हिंदी भाषा का, मतलब जो हिंदी भाषा का है ना उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का विकास, उसमें आदिकाल भक्तिकाल गीतिकाल कैसे भाषाओं पर, उसमें साहित्य के संदर्भ में था, यहाँ पर भाषा के संदर्भ में आया कि कैसे आदिकाल में भाषा का विकास होता है, भक्तिकाल में होता है, गीतिकाल में होता है, आधुनिक काल में होता है ना। आदिकाल में अपभ्रंश लिंगल पिंगल और वैसी रचनाएं हो रही थी अभट, यहाँ भक्ति काल में अवधि ब्रज, ऐसे भाषाएं है ना, ये क्या है साहित्य तो रखता है, क्या भाषा ही तो है इसको लिखे थे, आधुनिक में खड़ी बोली, ये सब ऐसे ही होगा भाषा में। इसके लिए दो तीन क्लास लिए भाषा की मॉर्निंग वाले बच्चों को, तो पूरा क्लियर कर दिया है पूरा। अब एक क्लास में आप लोग को क्या क्या पढ़ा, भाषा पढ़ाओ हिंदी साहित्य का, मतलब वो एक यूनिट ही पढ़ा सकता है इंसान एक क्लास में, एक भी नहीं पढ़ा सकता ढंग से अगर पढ़ाया जाता है, रेगुलर वाले बच्चों को एक यूनिट के लिए